दोस्तों स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। राहुल भोज आ गया है आप लोगों को एक बहुत ही चटपटी और अनोखी बात बताने के लिए, जो कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म रिलीज की धूम मची हुई है। आपको बताना चाहता हूं कि हॉटस्टार ने अपने 7 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच तक रिलीज किए जाएंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि हॉटस्टार पे, उनकी हमें जानकारी दे दी है, जिसमें खिलाड़ी कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब से लेकर ऑफकोर्स सुशांत भाई की दिल बेचारा है, खुदा हाफिज है जो कि विद्युत भाई की फिल्म है, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। अब ऐसे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो एक मेजर इंपॉर्टेंट बात लक्ष्मी बॉम्ब से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट में दैनिक भास्कर की लिखा गया है कि ये फिल्म जो राघव लॉरेंस लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जो कि मुनी 1 कंचना 2 जो है उसका ही हिंदी वर्जन है, ये फिल्म राघव लॉरेंस ने, जो कि एक्टर भी है डायरेक्टर भी है, सलमान खान को ऑफर की थी। हां जी दोस्तों, इसमें एक यौनक का कैरेक्टर है जो कि सलमान खान को मिला था एक कैरेक्टर, और सलमान खान ने अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ये कैरेक्टर करने से मना कर दिया, और सलमान खान के बाद ये फिल्म सीधा गई खिलाड़ी कुमार के पास, जो कि अब अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, चाहे वो पैडमैन हो, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेमकथा हो, चाहे वो एयरलिफ्ट हो, या फिर कोई भी कैरेक्टर। खिलाड़ी कुमार अब कैसे भी कैरेक्टर निभा रहे हैं और उन्हें अपने अंदर की डाइवर्सिटी को ढूंढने का मौका मिल रहा है। बताना चाहता हूं, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा कि राघव लॉरेंस ही डायरेक्टर रहे, ये खिलाड़ी कुमार ने कहा, और ये जो फिल्म है ये बेसिकली दोस्तों बहुत सारे प्रोड्यूसर मिलकर, शबीना खान से लेकर तुषार कपूर से लेकर जो है अलग अलग जो है प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये फिल्म हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है। भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है इस फिल्म को लेकर, और इसके अराउंड जो है हवा भी बहुत बनी हुई है। सबसे बड़ी हवा तो ये बनी हुई थी दोस्तों कि ये फिल्म ईद 2020 में रिलीज होने वाली थी, जिसका टकराव सलमान खान की फिल्म राधे के साथ होना था, और राधे तो ऑफकोर्स हम जानते हैं कि अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई है, वरना वो भी रिलीज हो सकती थी। लेकिन यस, अगर बात की जाए तो लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज के लिए रेडी है, और खबरें ये भी है अंदर से कि खिलाड़ी कुमार का जो सितंबर में बर्थडे है, तो उसी दौरान जो है ये फिल्म उसके आसपास रिलीज की जाएगी, एक तरीके से खिलाड़ी कुमार का तोहफा टुवर्ड्स यू नो द ऑडियंस। अब देखते हैं दोस्तों, लेकिन इमेजिन कीजिए कि सलमान खान अगर इस तरीके का यौनक का कैरेक्टर निभाते तो क्या होता खास, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और बने रहिए चैनल के साथ। मैं चलता हूं यार। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहाँ पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।